नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद, और बुलेटिन की शुरुआत सबसे सनसनीखेज खबर के साथ करेंगे। गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर का नाम सुनते ही जो चेहरा सबसे पहले ध्यान में आता है वह है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और यही वजह है कि गोरखनाथ मंदिर में कल शाम हुए हमले से हड़कंप मचा हुआ है। हमले के पीछे वजह क्या है, क्या कोई आतंकी एंगल है? पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये युवक बीच सड़क पर धारदार हथियार लहरा रहा है। सामने मुकाबला कर रहे कुछ पुलिस वाले और कुछ आम लोग हैं। युवक को काबू करने के लिए कुछ लोग पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। बैकग्राउंड में आरती की आवाज और तस्वीरों में आतंक का खेल है। हमलावर धार्मिक नारे भी लगा रहा है, जिसके बारे में वीडियो बना रहा शख्स बताता है। अचानक आदमी बड़ा सा हसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। और ये सब कुछ जहां हुआ वो जगह है गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर प्रांगण की। वही गोरखनाथ मंदिर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है, जहां के महंत हैं योगी आदित्यनाथ, जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसी जगह पर एक युवक के धारदार हथियार लेकर हमले की कोशिश से सनसनी फैल गई। दरअसल बीती शाम 7 बजे के करीब गोरखनाथ मंदिर के दक्षिणी गेट पर पहुंचे संदिग्ध ने तैनात सिपाही से हथियार छीनने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मी जब तक संभल पाते, संदिग्ध ने धारदार हथियार से हमला करके 2 जवानों को घायल कर दिया। आरोपी को तो काबू में कर लिया गया है, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी सामने आई उसके बाद मामले को महज हमले की तरह नहीं देखा जा सकता। आरोपी का नाम अहमद मुर्तजा अब्बासी है। आरोपी गोरखपुर का ही रहने वाला है। उसने IIT बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। आरोपी के पास से दवा, लैपटॉप, पैन कार्ड और एयर टिकट भी मिला है। UP ATS ने इस घटना की जानकारी महाराष्ट्र ATS से साझा की है और इस पूरे मामले की जानकारी दी है। ऐसे पर महाराष्ट्र ATS भी इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। महाराष्ट्र ATS भी IIT पवई यानी IIT बॉम्बे जाकर इस स्टूडेंट के बारे में जानकारी हासिल कर सकती है। साथ ही साथ नवी मुंबई के मिलेनियम टावर्स, जहां वो साल 2015 के आसपास रहता था, वहां पर भी आकर जानकारी हासिल कर सकती है। उसके साथ ABP News आपको रखे आगे।